दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पाओ बोरिंग जिंदगी से छुटकारा, और साथ ही साथ इस घंटे को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों फेसबुक का मालिक कौन है, क्या आपके दिमाग में भी यही आया है? थू, चलो गूगल पर सर्च करके देखते हैं द रियल फाउंडर ऑफ फेसबुक। तो भाई ये है असली फाउंडर फेसबुक का, जो इंडिया से है, दिव्या नरेंद्रा, और ये साला हमको ही चूतिया बना रहा है। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टेक। तो ज्यादा टाइम का ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों कल तक मैं भी यही सोचता था कि ये लोंडा फेसबुक का मालिक है, और 90% लोग जो इंडिया में रहते हैं वो भी यही मानकर बैठे हुए हैं कि ये फेसबुक का फाउंडर है। अगर इसके पीछे की कहानी बताऊं तो आप ये गर्व से कहेंगे कि हम भारतीय हैं, क्योंकि फेसबुक का असली मालिक ये है जिसका नाम है दिव्या नरेंद्रा। मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों हमेशा की तरह गोरे हमारा फुद्दू काटते आ रहे हैं। दोस्तों दिव्या के माता पिता एक भारतीय हैं, और शादी के बाद फटाफट जहाज पकड़कर वे अमेरिका आ गए और वहीं पर सेट हो गए। फिर उसके बाद दिव्या का जन्म हुआ 18 मार्च 1982 में। दिव्या के माता पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर दिव्या की सोच उसके माता पिता से मेल नहीं खाती थी, क्योंकि दिव्या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे और उन्होंने ये कर भी दिखाया। गाइस फेसबुक का जन्म हार्वर्ड कनेक्शन से हुआ था, और दिव्या हार्वर्ड कनेक्शन पे काफी समय से काम करते आ रहे थे और बहुत आगे बढ़ चुके थे। और मार्क जगरबग, जिसे आजकल फेसबुक का मालिक कहा जाता है, वो काफी समय बाद इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए थे और सिर्फ एडवाइजर के तौर पर। पर इस ने चलाकी से उस प्रोजेक्ट को चुरा लिया और फेसबुक का डोमेन भी अपने नाम से रजिस्टर कर लिया। और फिर उसके बाद दिव्या और उसके साथियों ने मार्क जगरबग की जमकर क्लास लगाई। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ने दिव्या को कोर्ट जाने की सलाह दी। 2004 में दिव्या ने अमेरिका की एक अदालत में जगरबग के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद दिव्या और उसके दोस्त ये केस जीत भी गए, और जज ने साफ साफ कह दिया कि ये आइडिया दिव्या का था, मतलब फेसबुक का आइडिया, और मार्क जगरबग को $650 लाख हर्जाने के तौर पर चुकाने पड़े। पर दिव्या खुश नहीं थे, क्योंकि तब जो फेसबुक के शेयर्स थे जो बाजार के अंदर, उसके हिसाब से उन्हें हर्जाना नहीं दिया गया था। और फिर से 2008 में दिव्या ने मार्क जगरबग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, पर अमेरिकन कोर्ट ने पिछले फैसले को ही आखिरी फैसला बताया और केस बंद कर दिया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि फेसबुक का असली मालिक कौन है। अगर फिर भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा है तो इंटरनेट पर जहां मर्जी सर्च कर लो, सिर्फ इसी बंदे का नाम आएगा। दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट विकिपीडिया में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे मार्क जगरबग ने दिव्या को धोखा दिया। यही नहीं, हवाई जहाज, टेलीफोन, मरकरी या फिर प्लास्टिक सर्जरी वाले महान आविष्कार भी इंडिया वालों ने किए थे, पर गोरे इन सभी आविष्कारों को चुरा कर ले गए और अपने नाम करवा लिया। तो दोस्तों आज के बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर फेसबुक के बारे में कोई भी पूछे कि फेसबुक का मालिक कौन है, तो एक ही नाम कहना, इस बंदे का। तो मुझे नीचे कमेंट में ये बताइए कि आप मार्क जगरबग को क्या कहना चाहते हो, और इस वीडियो को इंडिया में हर तरफ फैला दो ताकि इंडिया वालों को पता लगे कि फेसबुक का असली मालिक कौन है। और अगर आपके अंगूठे में दम है तो इस वीडियो को लाइक करो। तो मैं इंतजार करता हूँ आपका नीचे कमेंट में, और इंसानियत के नाते इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस घंटे को भी दबा दो, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।